जैसलमेर से खबर मिल रही है, भारत पाक बॉर्डर पर आज से ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाएगा। सरहद पर आज से नफरी भी बढ़ा दी जाएगी। आगामी 26 जनवरी और पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। नापाक नजरों पर निगरानी के लिए सुरक्षा पहरा बढ़ा दिया गया है। बॉर्डर पर बीएसएफ के अधिकारी और जवान चौकस है, हर वक्त उनकी चौकसी रहती है, लेकिन इस ऑपरेशन सर्द हवा के तहत उनकी चौकसी 4 गुना ज्यादा यानी कि डबल हो जाएगी। कोहरे की आड़ में कोई घुसपैठ यहां पर ना हो, अत्याधुनिक हथियारों के साथ ये ऑपरेशन चलेगा। खुफिया एजेंसियां भी सतर्क रहेंगी। हेडक्वार्टर से सीमा चौकियों पर मैन पावर भी बढ़ा दी जाएगी। पेट्रोलिंग व खुर्रा चेकिंग भी यहां पर तेज हो जाएगी। सूर्यवीर जैसलमेर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सूर्यवीर, एक तरफ सर्दी सितम ढा रही है, दूसरी तरफ ऑपरेशन सर्द हवा, लेकिन हमारे सुरक्षा में तैनात जवान जो है वो रुकते नहीं, थकते नहीं, हर वक्त चौकस रहते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से हर साल की भांति 26 जनवरी को लेकर ये अपना ये विविध अभियान है वो चलाती है, उसके तहत ऑपरेशन सर्द हवा 22 तारीख से आज से शुरू किया जा रहा है, जो 28 जनवरी तक चलेगा, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के तमाम अधिकारी और नफरी को है वो तेज किया जाएगा, और साथ ही साथ तमाम सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी अपने अपने इलाके में जाएंगे, अत्याधुनिक हथियारों के साथ, नए नए गैजेट्स के साथ है वो ऑपरेशन अलर्ट के साथ है, सीमाओं की सुरक्षा को किया जाएगा, साथ ही तारबंदी को चेक किया जाएगा, तारबंदी में किस तरीके से है उसमें भी चेकिंग की जाएगी, और साथ ही साथ जिस तरीके से नए नए गैजेट्स जिस तरह से सीमा सुरक्षा बल में आए हैं उनको भी चेक किया जाएगा और जवानों को उसके बारे में बताया जाएगा। रात को भी पेट्रोलिंग खुरा चेकिंग है वो चेक किया जाएगा, क्योंकि आगामी 26 जनवरी और पंजाब में निकटतम में विधानसभा चुनाव को लेकर है वो एकदम हाई अलर्ट है, वो अब सीमा बॉर्डर हो गया है और बॉर्डर पर विशेष सतर्कता है वो बढ़ती जा रही है, और धुंध और सर्दी का सितम चल रहा है, और हालांकि 24 घंटे राउंड ऑफ क्लॉक सीमा सुरक्षा बल जुटा रहता है, लेकिन इन दो मुद्दों को लेकर लगातार सीमा सुरक्षा बल विशेष अब निगरानी रखेगा। तमाम जो मैन पावर जो जैसलमेर शहर या विभिन्न मुख्यालयों पर या बटालियन पर स्थित है वो बॉर्डर पर तैनात हो जाएगा, और हमारी जो बॉर्डर है वो पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यवीर तमाम जानकारी देने के।